तो नो सर इट इज रियली आप फोन करके पूछिए वो किसी को बता दे को सर मैंने क्या है क्या समझा उसका पति पैदा हो गई थी उसको हमने रियली एनकैश करना भारत में इतना अच्छा खुशी का बात है हमारा रिएक्शन का दैट टू बीइंग ए आयुर्वेदिक डॉक्टर हेंस इट इज माय प्राउड प्रिविलेज टू इनवाइट डॉक्टर उपा गुप्ता एंड बच्ची को लेकर आइए जानो बेबी सर अभी हम कहीं बाहर प्रूफ के लिए जाना के जरूरत नहीं है एवरी रिएक्शन फैमिली इज ए टेस्टिमोनियल एवरी रिएक्शन फैमिली अरे देखिए सब उसको कहा वही So we are all the living testimonials of Canada. It is my proud privilege to request Dr. Mahatma. सुपर स्टारिस्ट ऑफ राजस्थान एंड एग्जीक्यूटिव डायमंड क्या है आप एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड वो राजस्थान राजस्थान को हिलाएंगे सब बैठ जाएं गुड मॉर्निंग उस लाइफ में अभी अपने आप को नहीं समझती हूँ रिएक्शन क्या है आपके सामने प्रूफ है 1000% का 100 की बात मैं नहीं करूंगी 1157 का मेरा बात है 2008 में मेरी शादी हुई मेरे पेरेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते करते मेरा इतना एज हो गया था और आज भी उस परिवार को मुझे चला नहीं सकता शादी हुई तो हस्बैंड ने फर्स्ट दिन मुझे बोला पैसा दे दूंगा बंगले गाड़ी घोड़े सब दे दूंगा सोचे कि मैं संतान दूंगा मैं संभव नहीं कर सकता मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए सहारा चाहिए मिल गया बहुत जब मैं 10वीं क्लास पास किया था तब से पैसा कमाना शुरू किया था पैसे की मेरे दिमाग में कोई अहमियत नहीं मेरी लाइफ में 10वीं में मैं 16-17 साल की थी तब से आज तक मैंने रिकॉर्ड डायरी रोज की मेंटेन की है 6,19,00,000 रुपए का मेरी मेहनत का पेरेंट्स का 1 रुपए नहीं हस्बैंड का 1 रुपए नहीं और वो पति हस्बैंड की बात भी मैं उनकी मोहताज आज भी मेरा छोटा सा बिजनेस चलता है शिव शक्ति आरोग्य निकेतन उसमें मैं 1-1.5 लाख रुपए महीने की अर्निंग करती हूँ आज भी अभी मैं यहाँ बैठी हूँ मेरा रजिस्टर बना है मेरा 400% एक महीने के मेरे पास आते हैं पैसे के लिए मैं इसमें नहीं आई बंगला गाड़ी के लिए मैं यहाँ नहीं आई मैं सिर्फ प्रेस्टीज के लिए आई परिस्थिति वश तो मुझे नहीं मिली क्या थी वो दिन रात मेहनत पैसा एक बोलो आज भी मैं यहाँ पे आई मेरे पास 40,000 रुपए लेके आई पैसे की मैंने कभी कोई कीमत नहीं समझी अब ये चीज कैसे मेरे दिमाग में आई 2011 के अंदर प्रोफेसर साहब सूरत आए थे मेरी स्टोरी डिएक्शन में संतान के दिमाग में कैसा ही वो बताना चाह रही हूँ उन्होंने मुझे इसी का फाउंडेशन दिया है कि यही तक मुझे बोलना था मैं नहीं जा रहा 11 में मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर उमा गुप्ता आपको सूरत आना है इतनी तारीख को मैंने बोला ठीक है क्योंकि मैं ये सारे लोग बैठे हैं यूपी के बड़े बड़े लीडर मेरी अप्लाई में मैं किसी को नहीं बनती किसी ने मेरे को अच्छे से गाइड नहीं किया इवन मेरी स्पॉन्सर यहाँ बैठी है वो बेचारी खुद ही इतनी वो सक्षम नहीं है कि मुझे गाइड करे लेकिन एक प्लेटफॉर्म दे दिया वो मेरे लिए एहसान बंद है मैं चाहती हूँ मेरी अप्लाई के लिए आप लोग तारीफ कर जाए
जाएंगे। मैडम इनके साथ नहीं थे सूरत में, अकेले प्रोफेसर साहब थे, रहमत जी थे। एक डेढ़ घंटा हमारा डिस्कस चला होटल में, उसके बाद आके मैंने डीएक्शन को हाथ में लिया। सबसे पहला केस मैंने लिया डीएक्शन का, एक डिफिकल्ट केस। 27 साल का लड़का, शादी को 4 साल हो गई, संतान नहीं है। लड़के की उम्र 27 साल लेकिन वजन 142 के थी। लड़की की है 24 साल, वजन 106। आप इतने एमडी डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे जी मैडम कोई कर सकता है इसको केस को सॉल्व, लेकिन डीएक्शन ने कर दिया। प्रोफेसर साहब ने मेरे दिमाग में एक जुनून भरा था, चरण जी जैसे मैं भी लकीर की फकीर हूँ, आगे है पूछ जाऊंगी, चाहे जलू चाहे मरू कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको मोरंजी दिया, आज जी जेल दिया, 5 मोरंजी एक महीने में दोनों को खत्म करवाई, बड़ी बात। 5वें महीने में मुझे पता चला कि वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। जयपुर के 5 डॉक्टर नामी, जिनका नाम लेने में लोकल वहां के जो लोग हैं वो डरते हैं, अंजू काली, कल्याण साय, दुर्लभ जी, बड़े नाम चलते हैं, डंड और लीला व्यास। सब लोगों ने उसको लिखित में दिया 100 रुपए के स्टाम्प पे कि तुम लोग माँ बाप नहीं बन, कोई एक्शन नहीं किया। अभी उनका 3.5 साल का बेबी स्कूल जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद एक केस, उन्हीं के रिश्तेदार चाचा और चाची मेरे पास आए, चाची की उम्र 47, चाचा की उम्र 53। 22 साल का लड़का एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, 3 लड़कियों पर लड़का हुआ था। मैंने बोला डीएक्शन है, प्रोफेसर सर ने मुझे बोला है कि इसमें कूदोगे तो डूबोगे नहीं, ये मेरी गारंटी। आज भी मेरे दिमाग में वही शब्द कूदता रहता है दिन और रात। मैंने बोला ठीक है, एक बच्चा तेरा बचाएगा। बोले गारंटी है, मन की गारंटी, तो तू यहाँ चली गई, मैं मांगे क्या गारंटी, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। सेम डोजेज उसको देना चालू किया। 2014 अक्टूबर 26 को उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति पैदा हुई। संभव है 53 साल की उम्र में बाप बना दोबारा। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड से चर्चा की, 8 दिन तक ब्रेन वॉश करने में लगाया, जब ये हो सकता है ये हो सकता है। प्रोस्टेट पुरुषत्व की ताकत राकेश जांगीर जो 27 साल का था उसमें नहीं थी, उसके यहाँ बच्चा हो गया, तो क्या हम नहीं कर सकते? बूटे बूटी हो गए तो क्या हुआ? हमारे इस जो धन संपत्ति है उसका रखवाला भी लड़का लड़की परमात्मा का है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिन जाके मुझे उनको सेट करने में लगा। 8 दिन बाद मैंने नेपाल से कॉफी नहीं ली, ये दौर चल रहा था बहुत बड़ा डिफिकल्ट वाला, तो मैं हमारे यहाँ से एक बस जाती है नेपाल कैलाश मानसरोवर यात्रा वाली, उनसे हम लोगों का अच्छा संपर्क था। मैंने उनको बोला भाई साहब ये चीज, बोला हाँ भाभी तुम ला दूंगा। लाते गए देते गए, मैंने इनको जीएल 20 जीएल और कोको जी एक पाउच रोज का दिया। मैंने जो है 20 जीएल 20 आरजी और 2 पाउच कॉफी के, 13 साल मेरा मेंसेस बंद हुए हो गया था, 2 पाउच कॉफी के लिए 19 दिन बाद मेरा जो है पीरियड चालू हो गया। 3 महीने तक रेगुलर इस चीज को मैंने फॉलो किया, कंटिन्यू बराबर टाइम मेरा वही 28 दिन का साइकिल चलता रहा। हस्बैंड उस तक मैंने उनकी जांच किया सीमेंस की, उसमें वो पॉजिटिव अच्छे आ गए थे, उसमें फिर हमने इसका प्लान किया। 1 महीने 28 दिन में जब हमारा पीरियड दूसरा मेरा आने वाला था, पता चला कि वो नहीं आया। प्रेगनेंसी पॉजिटिव के सिम्टम्स मेरी बॉडी में क्रिएट हो गए। मैंने मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसके यहाँ गई, रीतु टंड नाम की गवर्नमेंट डॉक्टर है, मैंने कहा यार मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है तो मुझे जल्द चेकअप करती हूँ। चेकअप किया, पॉजिटिव आ गई। मेरे हस्बैंड 3 घंटे तक रोए इस बात को सुनकर के, रोए के खुशी के आंसू कि मैं रिटायर होने के बाद बाप बनने जा रहा हूँ, तो रोते रहे रो। मैं उनको चुप भी नहीं किया, 3 घंटे बाद वो सही हो गए और आज ये जो रिजल्ट है वो आपके सामने है।